चुनौतियों से नहीं लगता मुझे डर, चुनौतियों से नहीं लगता मुझे डर, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हौसला नहीं हारूंगा मैं, हौसला नहीं हारूंगा मैं, अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है, अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। नमस्ते साथियों, मैं सिकल सेल योद्धा ललित किशोर पारगी राजस्थान से, आज की उड़ान भरी कहानी राजस्थान से दिनेश जी की है, जो बांसवाड़ा ज़िले के छोटे से गांव जहर के रहने वाले हैं। आइए सिकल सेल योद्धा दिनेश जी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्ते, मैं दिनेश कुमार पारगी, सन ऑफ बलवंत सिंह पारगी, मुकाम जेर, पोस्ट ओबला, जिला बांसवाड़ा। बचपन में हमेशा शरीर में दर्द रहता था, तो पास के कस्बे में उपचार करवाते हैं तो दर्द निवारक दवाई दी जाती थी, जिससे लेकर राहत मिल जाती थी। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय दर्द बढ़ गया जब मैं 16 साल का था। इसके बाद लगातार दर्द रहने से मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं चल नहीं पाया। वर्ष 2016 में जब मैं 20 साल का था, तब घर वाले आसपास के सभी अस्पताल ले गए, पर कुछ पता नहीं चला। फिर 2016 में गुजरात के प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां पता चला मुझे सिकल सेल है। इसके बाद मेरा उपचार वहीं चल रहा है, अभी ठीक हूं, पर फिर भी हमेशा दर्द रहता है। सिकल सेल देरी से पता होने के कारण दवाई स्टार्ट होने से मेरे पैर में विकलांगता आ गई और मैं 10 साल की पढ़ाई छूट गई। उसका समय पर सही इलाज मिलता तो मैं 10 साल तक की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती और मेरे पैर पर विकलांगता नहीं आती। धन्यवाद। साथियों, आपने सुनी दिनेश जी की कहानी। मुस्कुराकर हर चुनौती स्वीकार करेंगे, मुस्कुराकर हर चुनौती स्वीकार करेंगे, मुश्किल राहों पर चलकर मंजिल पार करेंगे, मुश्किल राहों पर चलकर मंजिल पार करेंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। इसी तरह आपके अपने चैनल इस नास्को के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।